हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है UPSC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 56 एरोनॉटिकल ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको UPSC नॉर्म्स के तहत ही मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो एरोनॉटिकल ऑफिसर के लिए 26 वैकेंसी है, प्रिंसिपल सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए 20 वैकेंसी है, साइंटिस्ट बी के लिए 7 वैकेंसी है, वहीं असिस्टेंट जियोफिजिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैडेट्स ने डिग्री बी या बीटेक, AMIE या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एरोनॉटिकल ऑफिसर के लिए आपका डिग्री इन एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से क्यों होना आवश्यक है। वहीं प्रिंसिपल सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर के लिए जिन कैडेट्स ने डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से या फिर CS या IT से कर रखा है या फिर मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोफिजिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, CS या फिर IT से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 की बात करें तो इसके लिए आपका डिग्री क्या होना आवश्यक है। वहीं साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन साइंस से क्या होना आवश्यक है। अगर असिस्टेंट जियोफिजिस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने बी या बीटेक या फिर AMIE कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है फिजिक्स, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से, वो सारे कैडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो एरोनॉटिकल ऑफिसर, प्रिंसिपल सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 और साइंटिस्ट बी के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट जियोफिजिस्ट के लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए और ये सभी 1 जनवरी 2023 से पहले तक होनी चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, वहीं PWD SC ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज लिमिट दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 25 रुपये। वहीं SC ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए यह एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू पर बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 10 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।